मेरे पास एक मदरबोर्ड आया है एएमडी का, उसमें फ्रंट यूएसबी और रियर यूएसबी नहीं काम कर रहा है, तो उस केस में क्या फॉल्ट होता है वो हम जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं बोर्ड कौन सा, अमर नंबर क्या है। हमारा बोर्ड ये देख सकते हैं एएमडी का है, और इसमें प्रोसेसर लगा है एएमडी 9700 सीरीज़ की। यहाँ पर देखिए 9700 सीरीज़ की प्रोसेसर लगा है, और साथ साथ आप पार्ट नंबर देखिए यहाँ पर AS H 8544320 01, ठीक है। तो ये DDR4 में है, और रैम भी DDR4 का लगा। रैम यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.2 वोल्ट लिखा है स्लॉट पे, और ये इसमें कुछ USB पोर्ट काम नहीं कर रहे हैं, और साथ में ये जो फ्रंट वाला हमारा USB पोर्ट है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जो देखिए फ्रंट USB पोर्ट है, तो इस केस में हमारा कौन सा कंपोनेंट फॉल्टी है ये हम देख के सॉल्व करेंगे, इसे ठीक करेंगे। तो इसलिए अंत तक बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए कैसे हम इसे ठीक करते हैं, वाया जम्पर या डायरेक्टली आप ऐसे भी ठीक कर सकते हो इसका रेजिस्टेंस चेंज करके। तो देखते हैं इस पूरे केस को कैसे हम फिक्स करते हैं। तो हम इसे प्रॉपर देखेंगे केस को। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चेक करना है इन, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए ये दो रजिस्टर जैसे कि लाइन लगे हुए हैं यहाँ पे, देखिए ये ओपन है, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाऊं तो ये लाइन ओपन है, ये देखिए ये वाली लाइन ओपन है, यहाँ पे आपको चेक करना है, और यहाँ पे चेक करना है, इस पर चेक करेंगे तो देखिए बीप कर रहा है और ये भी बीप कर रहा है। तो ये वाला लाइन ओपन है, इसकी वजह से कुछ पोर्ट काम कर रहे हैं फ्रंट पोर्ट फ्रंट साइड में, कुछ पोर्ट काम नहीं कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इस लाइन को निकाल लेंगे जो जो फॉल्टी है, फिर उस लाइन को हम रिपेयर करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ये लाइन हमने निकाल लिया इस तरह से, ये जो छोटा सा कंपोनेंट होता है हम इधर रख लेंगे फॉल्टी, ठीक है। इसके जगह पे हम जम्पर लगा के ठीक करेंगे। और दूसरी लाइन हमारी यहाँ पे इधर देखिए, ये तीसरा नंबर है, ये फॉल्टी है, हमने चेक करके रखा हुआ है, तो इसलिए वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हमने शॉर्ट टर्म में बताने की ट्राई किया है, ठीक है। तो इसको हम लाइन को हटा लेंगे, फिर रियल टाइम USB चेक करेंगे, ठीक है। तो वायर ले लेते हैं जम्पर लगाने के लिए सबसे पहले, फिर हम जम्पर दोनों जगह लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आपको पेस्ट अच्छे वाला लेना है तभी ये जम्पर आसानी से लग पाएगी। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि बोर्ड में फॉल्ट है या आपके सॉफ्टवेयर में, तो इस तरह आप एनालाइज कर सकते हैं। देखिए ये वाला हमने लिया था, अब हम इस पे जम्पर करेंगे एक एक करके। सबसे पहले फ्रंट साइड करेंगे, अगर हमें जम्पर नहीं करना है तो मैं एक रेजिस्टेंस आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसमें रेजिस्टेंस होता है उसे हम निकाल के इसमें लगाते जाएंगे। तो एक बार लाते हैं फिर दिखाते हैं। सो, हमने कंपोनेंट डोनर बोर्ड का ढूंढ लिया, और यहाँ पे कंपोनेंट एक है, यहाँ देखिए जो स्क्रैप मदरबोर्ड से यहाँ पे लाइन लेंगे ये वाली, ये लाइन है, ये भी एक कॉयल है, तो ये यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं इसे MD की मदद से, अच्छे से मेल्ट होने के बाद ही हम निकालेंगे, नहीं तो क्या होता है कई बार इसका कैप निकल जाता है, जैसा अभी आपने देखा लाइव। थोड़ा सा इसमें फ्लक्स ऐड करेंगे और उसके बाद से PCB पे लगा देंगे। ठीक है, लग चुका है सक्सेसफुली।
ठीक है, फिर दूसरा धागा निकालेंगे, और यहाँ पे भी एक लगा लेते हैं। तो लग चुका, अब हम इसे चेक करेंगे, हमारा पोर्ट रिपेयर हो चुका है। एक बार मीटर से चेक कर लेते हैं कन्फर्म के लिए। शायद नीचे टच नहीं हो रहा क्योंकि इसका तो अब लगा के डायरेक्ट देख लेते हैं। ये थोड़ा सा जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो अब हम डायरेक्ट यूएसबी चेक करेंगे पोर्ट, और फैन लगाएंगे इस पर। और यूएसबी पोर्ट एक एक करके चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, ये फ्रंट यूएसबी हमारा एक काम कर चुका है रियर, और ये वाली जो है ये भी काम कर रही है, और ये वाली भी देखिए ये भी काम कर रही है, और ये ऊपर वाले देखते हैं ये भी काम कर रही है। सारी यूएसबी काम करने लगे, और फ्रंट वाला का लगाएंगे तो फ्रंट वाला काम करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए।